वाराणसी में फर्जी एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से अकाउंट से पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 13 एटीएम कार्ड, स्वाइप मशीन, मोबाइल, कार व नकदी बरामद हुई। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। यस सर, पुलिस आयुक्त महोदय, वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देशन अनुसार ये अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार वर्णा जोन के अंदर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस कैंटोनमेंट और जनपदीय एसओजी टीम द्वारा एक 3 सदस्यीय एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा आज किया गया है, जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से गुलशन जो मेन आदमी है जो ये पूरा योजना बनाते हैं, इसका साथी सुजीत कुमार और अभिषेक कुमार, ये 3 बिहार का रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है, ये घटना करने का तरीका ऐसा है कि जहाँ भी बैंक एटीएम या सुनसान जहाँ रहते हैं, जिसमें 2 एटीएम रहते हैं, इसमें से एक एटीएम में ये जाके पहले से खड़े हो जाते हैं और जो दूसरे एटीएम में जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको ये चोरी छुपा के देखते हैं कि ये क्या एटीएम पिन लगा है। वो एटीएम पिन देखते हुए उसके से उसे पीछे से एक और बंदा आ जाते हैं, उससे बताते हैं कि हम मदद करेंगे, आप एटीएम दे दीजिए, फिर इसमें से एटीएम बदल देते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है कि एटीएम मशीन के अंदर फेविस्टिक लगा के, फेविक्विक लगा के, जैसे कस्टमर एटीएम कार्ड अंदर डाल देते हैं वो अंदर फंस जाते हैं, और बगल में एक कॉन्टैक्ट नंबर, इनका जो टीम का एक नंबर है वो अंदर छिपका देते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। वो तुरंत जो बंदा जो बाहर वेट करता है वो आके उनको डाइवर्ट कर देते हैं, वो कस्टमर को, जैसे वो बाहर आ जाते हैं वो एटीएम को निकाल के, वो दूसरा इनके पास एक POS मशीन था उसी में से पैसा निकाल देते हैं। ये इनका घटना करने का तरीका है। और इनके कब्जे से 13 एटीएम कार्ड, 4 फेविक्विक बॉटल्स, 4 मोबाइल फोन और 1 POS मशीन, जिससे ये पैसा निकालते हैं, ये सारे बरामद हुए। और घटना में प्रयोग एक 4-व्हीलर रेनो ट्यूबर गाड़ी भी बरामद हुई। अभी तक इन्होंने कुल कितने का फ्रॉड किया होगा? अभी हमारा जो रजिस्टर्ड केसेस है, एक गुलशन है, ये सिगरा थाने के एक इसी टाइप का मामले में वांछित था, वो बाकी ये प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में ये चीज़ प्रकाश में आ रहा है, ये पहले बिहार में भी कई जगह पे ऐसा घटना कर चुके हैं, उसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मुकदमा लिखे हैं और इनका आपराधिक इतिहास क्या है। गाड़ी जो बरामद हुई क्या वो चोरी की है सर? हाँ, ये भी जो गाड़ी बरामद हुई वो भी घटना में शामिल थे। ये इनका रोल ये है कि बाहर वेट कर देते, रेकी कर देते, ये कौन आ रहे हैं कहाँ रहेगा पुलिस है तो वो सूचना कर देते, इनका योगदान वही। टीम को कोई पुरस्कार इस शरण्य कार्य के लिए? एसओजी टीम के लिए 15,000 और स्थानीय पुलिस के लिए 5,000 नगद रिवॉर्ड घोषित किया है। इनके पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर? ये एक गुलशन के खिलाफ एक आपराधिक इतिहास जो सिगरा में है, 2022 का, और इसके साथ साथ एक सीतापुर में भी एक मुकदमा लिखा है।